नमस्कार, सुप्रभात। महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, यूं तो हमारा देश त्योहारों का देश है, लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे हैं, कुछ पर्व ऐसे हैं जो सचमुच हमें बहुत ही आध्यात्म की गहराई में ले चलते हैं। उनमें से ही शिवरात्रि का सुंदर पर्व है। शिवरात्रि, हर त्यौहार के साथ हम जयंती शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन शिवरात्रि में रात्रि शब्द यूज़ किया जाता है। कारण यही मित्रों, क्योंकि परमात्मा शिव हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलते हैं, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलते हैं। और चूंकि उन्होंने मृत्यु से हमें अमरत्व की राह दिखाई, अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले चले, या हमें फर्श से उठाकर अर्श पर स्थापित कर दिया, इसीलिए हम भी उन्हें सिर आँखों पर बिठाते हैं। और आज के दिन, न केवल आज के दिन लेकिन हर दिन, दिल से हम उन्हें याद करते हैं। भारतवर्ष के गांव-गांव में यदि आप जाएंगे, आपको शिवालय मिल जाएंगे। द्वादश ज्योतिर्लिंगम तो यादगार हैं ही, परमात्मा शिव के विश्व के कोने कोने में आपको शिवालय मिल जाते हैं। और जहाँ कहीं भारतवंशी हैं, वो तो आज के दिन को बहुत ही खास धूमधाम से उत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो मित्रों, आएं आज के इस पर्व को ना केवल मनाएं, लेकिन इसके आध्यात्मिक भाव को भी अवश्य समझें। चलिए आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम है, और सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास। हम सभी सुंदर आभूषण और परिधान से खुद को सजाते हैं, खुद के और दूसरों की नजरों में बेहतर और आकर्षक लगने के लिए, और इससे हमें बहुत खुशी भी मिलती है। लेकिन क्या ये बाहरी साज सज्जा आंतरिक गुणों और योग्यताओं की खूबसूरती से ज्यादा मूल्यवान है? कभी नहीं। इसी तरह हम सभी अपने अपने जीवन साथी की तलाश करते हैं, क्योंकि वो ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जीवन भर हमारा साथ निभाने के लिए समर्पित होता है। अगर ऐसा न हो तो हम टूट जाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जो हमारा साथ नहीं छोड़ता और हमें वापस जोड़ने की ताकत रखता है, वो है हमारा आत्मविश्वास। इसीलिए अगर हमेशा सुरक्षित, सफल और मजबूत रहना है, मेहनत को अपना गहना और आत्मविश्वास को अपना जीवन साथी बनाएं। सचमुच उन्होंने ऐसे दिव्य कर्तव्य सृष्टि पर आकर किए, जिसके कारण ही हम उन्हें इतने विविध नामों से पुकारते हैं और अपने हृदय में आज उन्हें बसाते हुए कल्याण की कामना करते हैं। और साथ ही ये भी कामना करते हैं कि हम और हमारे साथी स्वस्थ रहें। आइए चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। आज के एपिसोड में हम लेंगे जो वजन बढ़ता है, जिसको हम कहते हैं ओबेसिटी। उसके कारण कई तरह के नुकसान होते हैं। ओबेसिटी का अर्थ है जो मेरा नॉर्मल वेट होना चाहिए हाइट के अनुसार, वो बढ़ता जा रहा है। पर्टिकुलरली जो फैट है, चर्बी है, सैचुरेटेड फैट है, वो डिपॉजिट ज़्यादा हो रहा है एब्डोमेन पर। BMI इंडेक्स ज़्यादा आ रहा है, बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा आ रहा है, तो उसको कहा जाता है ओबेसिटी। ओबेसिटी से कई तरह की बीमारियां जल्दी आती, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेन है। कई तरह के कैंसर भी ओबेसिटी से जुड़े हुए हैं। ओबेसिटी के कारण कई रहते हैं, जेनेटिक भी रहता है, कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, पर जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं उसमें मेन जो आता है इनसिक्योरिटी। जिस व्यक्ति को इनसिक्योरिटी ज़्यादा लगती है, एंजाइटी आती है, डर आता है, तो वो बॉडी का फैट ज़्यादा डिपॉजिट करता है। एक तरह से अगर हम कहें, ये कवरिंग हो जाती है उसकी इनसिक्योरिटी को। कभी कभी हमें कई लोग रिजेक्ट कर देते हैं, खुद से भी हम अपने को रिजेक्ट करते हैं, तो वो भी वेट बढ़ाने में एक ट्रिगर फैक्टर बन जाता हैगा।
मेन तो है कि हमें लाइफस्टाइल को ठीक करना है, एक्सरसाइज करना है, अपनी डाइट पर अटेंशन देना है, पर मेन है हम अपने इमोशनल फैक्टर को ठीक रखें, हम अपने से बात करें और अपने को अप्रूव करें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, इस समय सब ठीक चल रहा है मेरे साथ, और जो मेरा डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, उसको मैं परमात्मा से बात करके कम करूं। परमात्मा से अगर मैं रोज कंटिन्यूस डायलॉग करता हूं, तो जो सर्वशक्तिवान की रेज है, लाइट और माइट, मेरे में आएगी और मेरा डर कम होता जाएगा। जो चीज़ें रियल नहीं हैं, वो उनको मैं डर के रूप में अपने अंदर ले रहा हूं और डिपॉजिट कर रहा हूं, तो उनको भी मेरे को रिलीज करना है, लेट गो करना है और अपने में शक्तियों का संचालन अच्छी तरह करना है। रिपीट यही करना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे में असीम शक्ति है, परमात्मा मेरे साथ चल रहा है, उसका साथ और हाथ मेरे साथ है। ओम शांति। मित्रों, परमात्मा का जो रूप है वो ज्योति स्वरूप है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि शिव का अर्थ लोग जीरो के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अर्थात ज्योति कार स्वरूप। जब आप ज्योति को देखते हैं तो वो ओवल शेप में दिखाई देता है, इसीलिए लिंग स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि निराकार की पूजा के लिए कोई ना कोई प्रतीकात्मक स्वरूप तो चाहिए ही चाहिए। यदि आप मुस्लिम धर्म में देखें तो उन्हें नूरे इलाही कहकर के याद किया जाता है। क्रिश्चियन भाई बहनें भी गॉड इज लाइट कहते हैं। यहूदी भी पवित्र अग्नि की पूजा करते हैं। अलग अलग धर्मों और संप्रदायों में यदि आप देखेंगे तो परमात्मा के ज्योति स्वरूप को ही स्वीकार किया गया है कि उनका रूप निराकार है, ज्योति स्वरूप है, और यही वास्तव में सर्वमान्य है। सचमुच वास्तव में परमात्मा का जो ये रूप है, ये रूप हम सभी को बल देने वाला, शक्ति भरने वाला और हमारे अंतर्मन को प्रकाशित करने वाला है। तो आए हम सब भी उस निराकार के स्वरूप को अपने जीवन में उतारते हुए, उनका ध्यान करते हुए आत्मकल्याण की ओर बढ़ें। As a human soul, आप अपनी सोल को इतना स्ट्रांग किए हैं कि जो दूसरा स्पेशलाइज्ड आदमी है वो छोटा लगेगा। बिल्कुल। पर उसको छोटा लगाने की बात नहीं कि आप हर चीज़ को समा सकते हैं, आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बिल्कुल। सो मेरे हिसाब से जो इसीलिए ब्रह्मा कुमारी जैसे इंस्टीट्यूशन हैं, मैं हमेशा आना चाहता हूँ, यहाँ से सीखना चाहता हूँ और सबको मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ आएँ, ताकि इंटरनल एजुकेशन जो है आपकी, सोलफुल एजुकेशन है, वो होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको अल्टीमेटली हर सक्सेस का एक ही मतलब है, आपको खुशी चाहिए। खुशी तो चाहिए, यही है ना। ये तो नहीं कहता कि मैं सक्सेसफुल होने के बाद मैं दुखी रहूँगा साहब, बड़ा मज़ा आएगा, ऐसा तो कोई नहीं कहता। वो कहता साहब मैं खुश रहना चाहता हूँ, मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए। तो अगर आपका खुशी ही ध्येय है, तो खुशी ध्येय तो आपके विचारों में है। बिल्कुल। आपके मानसिकता में है। और मैं ये एक बात और भी कहना चाहूँगा आप सबसे, कि जो आप रिलीजन या फेथ में बिलीव करते हैं, वो एक एक्सरसाइज है आपकी अपने आत्मा के लिए, अपने मानसिक शुद्धि के लिए। जी। पर ध्यान रखिए, वो सिर्फ एक एक्सरसाइज है। रिलीजन फॉलोइंग जो है, फेथ है, वो होना बहुत ज़रूरी है। जिस फेथ में आप बिलीव करते हैं आप कीजिए, लेकिन उसका जो असली लक्ष्य है वो ये है आपकी सेल्फ ग्रोथ। बिल्कुल। हॉस्पिटल का आप रिलीजन को स्वास्थ्य होता है। आप रिलीजन को इस तरह यूज नहीं कर सकते कि मैं भगवान पर जाऊंगा, मेरी मुराद पूरी होगी, वो मुझे मांगे और मैं आऊंगा। नहीं, ये गलत नजरिया है। तुम्हारा बच्चा हूँ तो मुझे अपना लो फलाना करो। नो जी, मैं खुद का बच्चा हूँ, मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा। मैं खुद का बच्चा हूँ, वो एक्सरसाइज रखिए अपने फेथ की, लेकिन आप अपने आप को सेल्फ ग्रोथ प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अबव योर रिलीजन, अबव योर ऑल फेथ। जी। यूनिवर्सल तरीके से अगर आप सोचिए, भारत की, यू आर ए सन ऑफ ए सन, आप सूर्य के पुत्र हैं। जब आप सूर्य के पुत्र होंगे तो पूरा विश्व आपको अपना बच्चा लगेगा। अलग अलग धर्मों में परमात्मा के इसी स्वरूप को स्वीकार किया गया है कि परमात्मा नूर है, ज्योति है। सचमुच वो नूर ही इस संसार में नूर फैलाते हैं।
जो अंधकार है बुराइयों का, उस बुराई को दूर करते हैं और पुनः संसार को बहिष्ट स्वर्ग बनाते हैं। इसीलिए तो आज दिल से हम उन्हें याद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और अपने हृदय के श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आप सभी हमारे भाई बहनों को 87th शिवरात्रि की खूब खूब मुबारक हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् श्रीजाम्यः। शिवरात्रि की सभी ब्रह्मावत्सों को हार्दिक बधाइयां हो, मुबारक हो। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमें इस अवसर पर जो हमारे अपने निजी जीवन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, उन्हें समर्पण करना, यही अक के फूल है, यही धतूरा भांग विष जिसको हमको समर्पित करना है। और शिव की सच्ची सच्ची पार्वती, पवित्रता का व्रत रखने वाली, पावन वृत्ति वाली आत्मा बन करके इस सृष्टि को सुशोभित करना है। इन शब्दों के साथ आप सबको शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक और बधाई। मित्रों, प्रारंभ में मैंने एक बात कही थी कि शिवरात्रि को हम न केवल मनाएं लेकिन इसके आध्यात्मिक भाव को समझते हुए कुछ सुंदर बातों को अपने जीवन में भी धारण करें। जागरण हम केवल रात में ना करें, रात को जागना सहज हो सकता है, लेकिन हम अज्ञान की नींद से जागें, सत्य को पहचानें, उसे स्वीकार करें। व्रत केवल अन्न का ना रखें लेकिन बुराइयों का भी व्रत रखें। साथ ही हम अर्पण करते हैं परमात्मा शिव पर कुछ, तो अर्पण केवल धतूरा या अक का फूल नहीं लेकिन कोई ना कोई दुर्गुण या अवगुण उन पर अर्पण करने का संकल्प लें। यदि हम ऐसा करेंगे तो सचमुच ये शिवरात्रि हमारे लिए यादगार बन जाएगी, श्रेष्ठ बन जाएगी और हम हमेशा के लिए अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ने का सुंदर अनुभव करेंगे, ईश्वर के सामीप्य का अनुभव करेंगे। तो आएँ इस बार ऐसे ही सुंदर महाशिवरात्रि का पर्व मनाएँ। तो एक बार पुनः आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार, ओम शांति।